हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं साउंड का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था इसके थ्योरेटिकल के बारे में, ठीक है, जितनी भी थ्योरी थी साउंड की हमने उसके बारे में डीप में पढ़ लिया था। अभी एक टॉपिक बचा हुआ है ह्यूमन ईयर, इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। अभी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्या सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यानी एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उनको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो आप हमारे पिछले लेक्चर को देखिए, जिससे कि आप देखिए ये हमारे थ्योरेटिकल भी हैं और न्यूमेरिकल भी हैं। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आप हमारी थ्योरी वाली वीडियो देखे होंगे तो आप आराम से कर लेंगे। ओके, इस वजह से आप हमारी पिछली वीडियो को देखिए और आराम से इस लेक्चर नंबर 4 को देखिए। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, व्हाट इज अ साउंड एंड हाउ इज इट प्रोड्यूस। आपसे बोला है साउंड क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में पहले ही बताई थी कि साउंड क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी है। साउंड क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी में कौन सी एनर्जी है भाई, मैकेनिकल एनर्जी। तो हम ऐसा बोलेंगे साउंड इज अ मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स प्रोड्यूस वाइब्रेशन। ठीक है, कौन सी एनर्जी है भाई, मैकेनिकल एनर्जी है। तो हम बोलेंगे साउंड क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी है और ये वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है साइट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट साउंड नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। आपसे क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि आप किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको ये बताइए कि साउंड क्या होती है, साउंड को चलने के लिए मीडियम की या फिर मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो हमने भैया बात कर लिया था कि साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को क्या होती है, चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। सारी चीज़ें हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डीप में एकदम डिस्कस की है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ भैया आप हमारे पिछले लेक्चर देखिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल वेव, मतलब मैकेनिकल वेव मैंने बताया साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव यानी इसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बोल रहा है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताइए, तो एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, कौन सा, बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बेल जार एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, एक जार लिया गया है, ठीक है, इस टाइप से, और उसमें क्या किया है, इस तरीके से जार एक लिया गया है। ठीक है, इसमें ऊपर कॉर्क लगा दिया गया है और इसमें नीचे लटका दी गई है क्या, एक बेल, इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल इसमें लटका दी गई है और यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ लगी हुई है जिससे ये क्या करेगा, इसके अंदर भरी हुई एयर को बाहर निकालेगा। तो अभी जब एयर इसके अंदर है, जार के अंदर जब एयर है, तब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक बेल का स्विच ऑन करते हैं तब क्या होता है, यहाँ पर वाइब्रेशन होता है जिससे साउंड हमको बाहर सुनाई देती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, किसी के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू हमने क्या किया, इस जार से, ये जो बेल जार है हमारा, इसको बोलते हैं बेल जार। ठीक है, ये जो बेल जार है इससे मैंने क्या किया, सारे एयर को बाहर निकाल लिया, यानी यहाँ क्रिएट कर दिया वैक्यूम, यहाँ क्रिएट क्या कर दिया, वैक्यूम, एयर को निकाल लिया बाहर। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने पूरी एयर को बाहर निकाल लिया, यहाँ क्रिएट हो गया वैक्यूम। अब मैं जब इलेक्ट्रिकल बेल को ओपन करता हूँ ना, उसके स्विच को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर वाइब्रेशन तो हो रहा है लेकिन साउंड हमको सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि साउंड प्रोपोगेट नहीं कर पा रही है। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको क्या पता चल गया, बेल जार एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको ये पता चल गया कि जो साउंड होती है वो मीडियम में ही ट्रेवल करती है, यानी उसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल वेव है, इस वजह से इसको मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, और प्लस ये लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है। क्यों लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसका क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, अभी मैं वीडियो में बता रहा हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए ना अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्योरेटिकल में आप लोग लिख लेंगे आप आराम से। ठीक है, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, बेल जार एक्सपेरिमेंट आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप लोग आराम से उससे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, साउंड, तो आप लिखेंगे साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड प्रोड्यूस इट्स वाइब्रेशन, और ये किससे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाई साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव,
मैंने बताया था साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है अपने पिछले लेक्चर में, तो ये सारे थ्योरी के क्वेश्चन मैं अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आते होंगे अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा, ठीक है। नहीं आते तो मैं बता रहा हूँ, देखो साउंड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो साउंड वेव होती है वो प्रोपगेट करती है मीडियम में होते हैं पार्टिकल, ठीक है। तो जो पार्टिकल का मोशन होता है, ठीक है, साउंड क्या होती है भैया, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने वाली जो चीज़ होती है वो वेव होती है, यानी जो साउंड होती है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। एक चीज़ पूरी डेफिनेशन समझ में आई ना साउंड की, साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है और वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। साउंड किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और मैकेनिकल होती है, ओके समझ में आई बात। तो कैसे लॉन्गिट्यूडनल होती है, अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूँ तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए मैं यहाँ पे इसको एनसीईआरटी को थोड़ा सा रफ करता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ एक पैटर्न। तो अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूँ तो अगर ये हमारा कोई साउंड सोर्स है, ये हमारा क्या है, कोई साउंड सोर्स है, ठीक, जो कि क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है इस तरीके से। अब यहाँ पे है पार्टिकल, ठीक, तो जो साउंड वेव है वो क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ये एनर्जी एयर के मॉलिक्यूल से टकराएगी और एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। ये वाइब्रेट करते हैं इस तरीके से, वाइब्रेट कैसे करते हैं, इस तरीके से। और वेव भी कैसे ट्रेवल, अब वेव ऐसे जाएगी ना आगे, और वेव भी कैसे ट्रेवल करती है, ऐसे। ये है पार्टिकल मोशन PM और ये है वेव प्रोपोगेशन WP, ठीक है। यानी पार्टिकल मोशन एंड वेव प्रोपोगेशन आप क्या देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में हो रहा है। यही भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन है कि इफ पार्टिकल मोशन एंड वेव प्रोपोगेशन इज पैरेलल टू ईच अदर देन वेव इज फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। जो वेव होगी वो क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे और ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो उसमें क्या होता है, परपेंडिकुलरिटी होती है, यानी कि पार्टिकल मोशन वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होता है। ये अगर PM है तो ये WP होगा, ठीक है। यानी वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वेव पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल मोशन होता है एंड वेव प्रोपोगेशन होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। इस वजह से साउंड को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, क्योंकि साउंड में भी सेम ऐसा ही हो रहा है। जैसे स्पीकर देखिए, जब वाइब्रेशन छोड़ रहा है स्पीकर, यानी एनर्जी दे रहा है, तो पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। यानी जब मैं बोल रहा हूँ तो आपके कान में जो वाइब्रेशन जाता है ना, वो इस तरीके से जाता है, ठीक है, सेम एज लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह। इसीलिए साउंड को क्या बोला गया है, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला गया है, ओके। तो ये चीज़ आप लोग लिख लेंगे ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 4 बोला विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड बाय हिज वॉइस, ठीक है, वाइल सिटिंग विद अदर इन अ डार्क रूम। आपसे बोल रहा है कि आप अपनी मित्र की साउंड को पहचान जाएंगे अगर वो किसी अदर कमरे में बैठा हुआ हो, डार्क रूम में, मतलब एकदम अंधेरे में बैठा। कोई लड़का है आपका, मान लीजिए मित्र है, जो क्या है, एकदम अंधेरे में बैठा हुआ है, ठीक है। अगर वो बोलता है, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आप उसकी साउंड को सुन के, अगर मान लीजिए उसने कुछ बोला, तो क्या आप उसके साउंड को सुन के बता सकते हो कि वो हमारा दोस्त है या फिर कोई और, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन सा ऐसा अभिलाक्षणिक गुण होता है जिसके द्वारा हम लोग पहचान जाएंगे, तो वो होती है उसकी साउंड, यानी उसकी लय, टिम्बर जिसको बोलते हैं, TIMBER, टिम्बर, ठीक है। टिम्बर का मतलब होता है लय, उसकी जो आवाज़ होती है, उसकी जो साउंड होती है, ठीक है, वो क्या होती है, उससे हम लोग पहचान जाते हैं। वही एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि वो किस चीज़ की आवाज़। जैसे हम लोग बात करें अगर लड़कियों में, तो लड़कियों में क्या होती है, उनकी आवाज़ थोड़ी सी पतली होती है। लड़कों में क्या होता है, थोड़ी सी आवाज़ भारी होती है। तो वो होता है उनके वोकल कॉर्ड के रीज़न की वजह से, ठीक है, उनकी वोकल कॉर्ड की वजह से ऐसा होता है। तो उनकी जो साउंड की पिच होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसकी वजह से हम उनके साउंड को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो उसमें एक हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो क्या आती है, टिम्बर, यानी लय। लय से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी साउंड है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे,
The characteristics of sound. The characteristics of sound is quality or timbre. Okay? ये चीज आप लोग समझ गए ना। चलिए अब इतने क्वेश्चन ही हमारे हो गए, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी इसके आगे के क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो आप लोग जल्दी से ये जितना मैंने मटेरियल बताया है इसको 5 मिनट समझिए, देखिए, ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, फ्लैश एंड थंडर आर प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली, यानी ये क्या होते हैं, जो फ्लैश होता है यानी जो बिजली चमकती है, जब बारिश का मौसम होता है तब क्या होता है, बिजली चमकती है, और थंडरिंग होती है। थंडरिंग का मतलब बादल जब बरसते हैं तो उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। बट थंडर इज हेयर्ड अ फ्यू सेकेंड आफ्टर फ्लैश इज सीन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि मतलब ये बता रहा है दोनों एक साथ प्रोड्यूस होते हैं, बट जो थंडर होता है वो हमको फ्लैश से बाद में, मतलब कुछ सेकंड बाद में हमको सुनाई देता है। क्यों, ठीक है, क्यों सुनाई देता है, मतलब चमक, हम मतलब जो लाइटनिंग होती है वो हमारे पास जल्दी से आ जाती है, और जो थंडर होता है वो थोड़ी देर बाद में सुनाई देता है, जबकि ये प्रोड्यूस होते हैं एक साथ ही, समझ गए। तो यही इस वजह से बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है, रीज़न बताइए। तो ये रीज़न इसका ये चीज़ क्या है, इसका रीज़न है स्पीड, ठीक है, साउंड की स्पीड और लाइट की स्पीड में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर मैं साउंड की स्पीड की बात करूँ ना, तो साउंड की जो स्पीड होती है एयर में, साउंड की स्पीड जो होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है एयर में वो करीब करीब होती है 340 या फिर 344 या 346, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है, हमें मान लेते हैं 346 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। और लेकिन मैं अगर एयर में लाइट की स्पीड की बात करूँ, स्पीड ऑफ लाइट, तो वो होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो देखिए कितना बड़ा डिफरेंट है, 346 मीटर पर सेकंड, ये कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर, यानी 10⁸ गुना ज़्यादा है, किसकी स्पीड से, साउंड की स्पीड से, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना कि स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, यानी इसी की वजह से क्या होता है कि लाइट हमारे पास पहले आ जाती है और साउंड थोड़ी देर बाद में आती है, क्योंकि जो इसकी स्पीड होती है लाइट की स्पीड, वो ग्रेटर देन होती है साउंड की स्पीड से, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे फ्लैश एंड मैं बोलूँगा कि थंडर इज हेयर अ फ्यू सेकेंड आफ्टर द फ्लैश इज सीन बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। ओके, ये आपको समझ में आ गई ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को रफ कर देता हूँ। ओके, तो समझ में आ गया ना आप लोगों को, नोट करना है अगर आपको ये चीज़, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। अ पर्सन हैज अ हेयरिंग रेंज फ्रॉम 20 Hz to 20 kHz, what are the typical wavelengths of sound, ठीक है, wave in air corresponding to these frequencies take a speed of sound in air 344 meter per second। आपको speed of sound in air दी है 344 meter per second। आपको बता रहा है एक person है, ठीक है, जिसके सुनने की क्षमता, यानी कि जो ऑडिबल रेंज है हमारे ह्यूमन ईयर की, वो कितनी है 20 Hz to 20,000 Hz, यही तो है 20,000 Hz, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था। और मुझे पता है 1 kHz इक्वल टू होता है 1,000 Hz, तो इस तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 20,000 होगा ना यहाँ पे, हाँ,
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 kHz इक्वल टू 1000 है, तो 20,000 Hz इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 kHz। तो यही चीज़ इसको किस में लिखी हुई है, ये किलो हर्ट्स में लिखी हुई है, ठीक है। 20,000 Hz को क्या लिख सकते हैं, 20 kHz लिख सकते हैं। तो बोल रहा है कि जो हियरिंग रेंज है किसी पर्सन की, मतलब मोस्टली होती है नॉर्मल पर्सन की, वो कितनी होती है, 20 Hz टू 20 kHz, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है उनकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी अगर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 344 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। सिंपल सा आंसर है, ठीक है, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, कैसे होगा देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, फ्रिक्वेंसीज इनकी दी हुई है कितनी, पहली फ्रिक्वेंसी दी हुई है 20 Hz और दूसरी दी है 20 kHz, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी हमको दी हुई है हमसे, और हमको स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है, यानी वी की वैल्यू दी है 344 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ क्या रहा है, वेवलेंथ। तो भैया हमको सिंपल सा फॉर्मूला हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, और बताया था ये फॉर्मूला आपको 2 बजे रात में भी याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं याद है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो अगर हमको F1 फ्रिक्वेंसी के लिए लैम्डा की वैल्यू निकालनी, स्पीड सेम रहेगी क्योंकि एयर की बात हो रही है, दोनों फ्रिक्वेंसी किसके लिए है, एयर में बात हो रही है स्पीड, ठीक। तो स्पीड दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, बेसिक फॉर्मूला है साउंड का, हमने बताया था यूज होगा न्यूमेरिकल में, ओके। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू एफ लैम्डा जब करेंगे तो फॉर F1 के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगी हमारी स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 344, ठीक है, इक्वल टू F1 की बात करें तो कितना है 20 Hz, ठीक है, और इंटू लैम्डा कर देंगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 344/20। इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। और ये आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा, ओके, क्योंकि लैम्डा क्या है, डिस्टेंस है, जो हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में आएगी। अब अगर हम लोग बात करें इसकी F2 के लिए, फॉर F2, तो F2 के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्पीड तो सेम रहेगी, तो लैम्डा ये हो जाएगी लैम्डा 1, ये हो जाएगी लैम्डा 2। तो जो लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी V2 यानी 344/ कितना आ जाएगा, F2 की वैल्यू कितनी है 20 kHz। तो इसको अगर लोग हर्ट्स में लिखें तो क्या लिखेंगे, 20,000 Hz, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं ना। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, जो आएगा भाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो करनी आप लोगों को आती है ना, समझ गए ना, मेरा मतलब है यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाना, ओके। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है, मैंने सॉल्व करके बता दिया, केवल डिवाइड करिए, आंसर दीजिए, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 अपनी टेक्स्ट बुक का, देखते हैं भैया क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोल रहा है, टू चिल्ड्रेन आर अपोजिट एंड ऑफ एन एल्युमिनियम रॉड, ठीक है, वन स्ट्राइक द एंड ऑफ द रॉड विद अ स्टोन, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्युमिनियम टू रीच सेकेंड चाइल्ड। आपसे क्या बोल रहा है कि दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों बच्चे क्या हैं, एक एल्युमिनियम की रॉड है, मतलब दोनों बच्चे एल्युमिनियम की रॉड नहीं है, एक एल्युमिनियम की रॉड है उन बच्चों के पास, ठीक है, इस तरीके से। ये मान लीजिए एक एल्युमिनियम रॉड है, एल्युमिनियम रॉड है ये, ठीक है, और एक जो चाइल्ड है वो इधर सीधे, मतलब इसके इस एंड पे खड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और एक चाइल्ड है जो इसके इस एंड पे खड़ा हुआ है दूसरे एंड पे इस तरीके से, ठीक है, दोनों चाइल्ड इस तरीके से एंड पे खड़े हुए हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात, ठीक, इस तरीके से खड़े हुए हैं। तो आपसे ये चीज़ बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट वाला चाइल्ड है, ये जो फर्स्ट वाला चाइल्ड है इसके हाथ में एक स्टोन है, ये क्या करता है, इस स्टोन को, ठीक है, इस स्टोन को हिट करता है इस एल्युमिनियम रॉड पे, तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। जैसे ये चाइल्ड इस स्टोन को इस एल्युमिनियम रॉड पे स्ट्राइक करता है, वैसे क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर होता है और यहाँ से निकलती है साउंड।
तो जो साउंड निकलती है वो एयर में भी जाएगी और एल्युमिनियम रॉड के अंदर भी जाएगी। बात समझ में? देखो जो साउंड है वो प्रोड्यूस होगी ना, क्योंकि देखिए एल्युमिनियम रॉड के अंदर जो मेटल है यहाँ पे भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और ये जब साउंड प्रोड्यूस होगी तो पास में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं ना, तो एयर के मॉलिक्यूल्स पे टकराएगी तो वो भी क्या करेगी, मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स में भी एनर्जी क्या करेगी, प्रोपगेट करेगी। तो आपसे ये चीज़ पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनकी यहाँ पे बोला कितना टाइम लगेगा अगर एल्युमिनियम में रॉड, मतलब जो साउंड वेव है एल्युमिनियम में भी फ्लो कर रही है और एयर मॉलिक्यूल्स में भी फ्लो कर रही है, तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसको एयर में फ्लो होने में और किसमें एल्युमिनियम में फ्लो होने में, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है, मतलब कितनी देर में ये सेकेंड चाइल्ड पर पहुँचेगी, एल्युमिनियम वाला प्रोपगेशन और एयर वाला प्रोपगेशन का टाइम आपको बताना है क्या होगा। तो आपको गिवन क्या क्या है, पहले गिवन डेटा देखिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने में सबसे पहले अगर आप गिवन डेटा लिख लेते हैं तो आपका आधा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे पहले आप लोग लिखिए गिवन डेटा, तो गिवन डेटा आपको क्या है, गिवन डेटा आपको दिया हुआ है यहाँ पे दिया, हाँ दोनों अपोजिट साइन पर खड़े हुए हैं तो आपको उनका रेशियो बताना है, ठीक है, किसका रेशियो बताना है, दोनों चाइल्ड मतलब दोनों साउंड का रेशियो बताना है जब वो पहुंचती हैं सेकंड चाइल्ड तक। तो भैया रेशियो आपको बताना है, फर्स्ट चीज़ यही आपको फाइंड करनी है, ठीक है, यही चीज़ आपको गिवन है कि रेशियो बताना है किसका किसका, साउंड इन एल्युमिनियम अपॉन साउंड इन एयर, ठीक है, यही तो आपको बताना है, हाँ यही चीज़ आपको बतानी है। चलिए तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन, सिंपल सा सॉल्यूशन है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होती है वो होती है 346 मीटर पर सेकंड। हमने अपने थर्ड लेक्चर में, ठीक है, इसका पूरा चार्ट बनवाया हुआ है, तो भैया आप हमारा थर्ड लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में कितनी कितनी स्पीड होती है। तो एयर में जो स्पीड होती है साउंड की वो होती है 346 मीटर पर सेकेंड, एंड जो एल्युमिनियम में होती है, ठीक है, एल्युमिनियम में जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 6420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये होती है एल्युमिनियम में और ये होती है एयर में। हमने मान लिया कि जो ये रॉड की लेंथ है, रॉड की जो लेंथ है वो क्या है, एक्स है, ठीक है, ये जो रॉड की डिस्टेंस है, यानी दोनों चाइल्ड इसके डिस्टेंस मतलब इसके एंड पे खड़े हुए हैं, तो जो ये डिस्टेंस रॉड की होगी, जो लेंथ रॉड की होगी वही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है, वही क्या होगी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो हमने डिस्टेंस मान लिया कितनी है, एक्स है, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हमसे पूछ रहा है टाइम रेशियो, तो टाइम इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या कितनी दी हुई है, एयर की बात अगर हम लोग करें, फर्स्ट बात करेंगे एयर की, तो एयर के लिए अगर हम लोग बात करें तो स्पीड है 346 इज इक्वल टू डिस्टेंस हमने मान लिया है एक्स अपॉन में टाइम लग रहा है इसको टी, हमने टाइम कितना मान लिया, टी मान लिया। तो अगर यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे एयर के लिए, यहाँ पे एयर की बात हो रही है तो इसको मैं टी वन मान सकता हूँ, चलिए इसको टी वन ले लिया, तो टी वन इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 346 अपॉन में एक्स अपॉन में 346 आएगा ना, एक्स अपॉन में 346, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे अपॉन में वन करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टी वन इधर आ जाएगा और 346 नीचे चला जाएगा। ये आ गई भैया फर्स्ट की वैल्यू। अब अगर हम लोग बात करें एल्युमिनियम के लिए, यानी सेकंड केस यहाँ कर लूँ, अगर मैं बात करूँ एल्युमिनियम के लिए, तो एल्युमिनियम के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी टू इज इक्वल टू डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, डिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं हो रहा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी एक्स अपॉन में इनको, इनकी स्पीड एल्युमिनियम में कितनी है 6420, ठीक है, ये हो गई आपकी टी टू की वैल्यू। आपसे पूछ क्या रहा है, साउंड इन एयर, सॉरी साउंड इन एल्युमिनियम
अपॉन साउंड इन एयर, इनका रेशियो पूछ रहा है ना, तो साउंड इन एल्यूमिनियम कितना है, ये है, ठीक है। यानी मैं लिखूंगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा साउंड इन एल्यूमिनियम कितना है, X अपॉन 6420 अपॉन में, ये डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, X अपॉन 346, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो T2 अपॉन T1 का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 346 डिवाइड बाय 6420, यही आ जाएगा आपका आंसर। अगर कट रहा होगा तो आप लोग काट दीजिए, दो से कट रहा है तो 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, ठीक, 2 1 2, 2 7 14, 2 3 6, ठीक है, इस तरीके से ये कट के ये रेशियो आ गया इसका, साउंड इन एल्युमिनियम एंड साउंड इन एयर का, ठीक है, समझ में आ गई बात, ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको नोट करना तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बोल रहा है द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ सोर्स साउंड इज 100 हर्ट्ज, हाउ मेनी टाइम डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट, ठीक है, डज इट वाइब्रेट इन अ मिनट। आपसे बोल रहा है कोई साउंड सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, कितने 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की साउंड है, मैं बोल रहा हूँ ये न्यू है, क्या है न्यू, न्यू को हम लोग बताया था हमने पिछले लेक्चर में, फ्रिक्वेंसी को न्यू से स्मॉल एफ से दोनों से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज की दी हुई है। आपसे बोल रहा है कि अगर मैं इनसे टाइम, ठीक है, अगर ये किसी भी साउंड सोर्स की फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो उस साउंड को कितना टाइम लगेगा ट्रेवल करने में, ठीक है, उस साउंड को कितना टाइम लगेगा, यानी टाइम पीरियड की वैल्यू, यानी कैपिटल टी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और वो भी किस में पूछ रहा है, मिनट में पूछ रहा है, किसमें, मिनट में पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपको रिलेशन पता है कि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, हमने अपने पिछले लेक्चर में इसका पूरा डिटेल में बताया था कि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रिक्वेंसी अगर 100 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड 1 अपॉन टी कर देंगे, ठीक है, तो 1 अपॉन टी जब करेंगे तो टी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 100, ठीक है, तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.01 सेकेंड। इसको मिनट में चेंज करना है तो मुझे क्या पता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1.60 मिनट, ठीक है, तो 0.01 सेकेंड इज इक्वल टू 1.60 × 0.01, यही तो करेंगे मिनट। तो मैं क्या करूं, अगर इसको 60 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको 60 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। ये आ गया आपका टाइम पीरियड, यानी इतना मिनट आपको लगेगा अगर किसी भी साउंड सोर्स की फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो, ओके, समझ में आ गया ये चीज़ आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, डज द साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट, डज एक्सप्लेन। आपसे बोल रहा है जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है, जो हमने अपने थर्ड लेक्चर में पढ़ाया था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी एको, तो आपसे पूछ रहा है जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है वो भी क्या लाइट के रिफ्लेक्शन की ही तरह होता है, अगर होता है तो बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो हाँ, हम बोलेंगे यस, साउंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज सेम एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फर्स्ट इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, जैसा कि जो रिफ्लेक्शन, मतलब जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ठीक है, और जो इंसिडेंट एंगल होता है,
ठीक है, यानी एंगल आई होता है इसको क्या बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और एंगल आर होता है इसको क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इसी तरीके से जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है ना, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ साउंड ऑलवेज इक्वल, ठीक है, ये क्या रहेंगे हमेशा इक्वल रहेंगे। एंड सेकेंड क्या था, इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सेकेंड रूल क्या था कि जो नॉर्मल है इंसिडेंट लाइट है और रिफ्लेक्टेड लाइट है और नॉर्मल है, ये तीनों क्या होंगे सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो इसी तरीके से साउंड में भी क्या होता है, जो इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट साउंड होती है रिफ्लेक्टेड साउंड होती है उनके बीच में जो नॉर्मल होता है वो तीनों क्या होते हैं सेम प्लेन में होते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चंस, आगे और भी क्वेश्चंस हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही, बाकी आप लोग मिलेंगे अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप्स के आपको मिले वो सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक से या फिर अदर पेपर जो हो प्रीवियस ईयर के उनसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ओके।